तो भाई स्वागत करता हूँ एक और वीडियो के अंदर आपका। ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ना, ये 2024 का प्रोडक्शन मॉडल है XUV 300 का। इस एंगल पे चेक करो, बढ़िया सी लगती है। एलॉय वेलॉय व्हील डले हुए हैं गाड़ी के अंदर, एक नंबर लग रही है। डीजल के अंदर है, W4 मॉडल, मतलब सेकंड बेस मॉडल। और सेकंड बेस मॉडल में भी सनरूफ देखने को आपको इसमें लाइक मिल जाती है। पूरी बात करता हूँ क्या चीज़ एलॉय व्हील एक्सेसरी के तौर पर डला हुआ है। देख रहे हो टॉप मॉडल में जो एलॉय व्हील आता है, वो एलॉय व्हील इसमें एक्सेसरी के रूप में डला हुआ है। और जब गाड़ी को लॉक करता हूँ तो ये देखो, ये वाला जो इंडिकेटर है ना आपका, ये भी आफ्टर मार्केट एक्सेसरी है। ये DRL और इंडिकेटर लाइक दोनों का काम करता है इसके अंदर, ठीक है। चाबी आप देखते हो, चाबी आपको ऐसी मिलती है, ये देख लो, दो चाबी हैं। एंड मतलब ऐसी है कुछ, एक चाबी तो ये बन गई और रिमोट वाली चाबी कर दी है, लाइक कंपनी नहीं, महिंद्रा वालों, डीलर नहीं, मतलब कल्याण महिंद्रा पे आया हुआ हूँ तो इन लोगों ने लाइक आपको बना के ऐसे दे दिया, ठीक है। लॉक वॉक्स अब इससे ही काम करता है, पूरा पुई पुई लाइक आवाज़ आवाज करती है। ये जो गाड़ी है डीजल के अंदर है आपकी, W4 मॉडल है, और ये गाड़ी आपको पावर देती है 115 BHP की, 300 न्यूटन मीटर्स का ये गाड़ी आपको टॉर्क ऑफर करती है। सेकंड बेस मॉडल है, लाइक बेस मॉडल होता है W2 के बाद आता है W4, फिर W6, फिर W8 और फिर W8 ऑप्शनल। टोटल 5 मॉडल आते हैं, ये सेकंड बेस मॉडल है, ठीक है। डीजल इंजन है इसके अंदर, भाई टॉर्क बहुत अच्छा है, 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देती है, 115 BHP की पावर देती है। फ्रंट से देखते हो आप, आपको भाई ब्लैक कलर की ग्रिल वगैरह देखने को मिलती है। इसके नंबर प्लेट यहाँ पे लगेगी, स्किड प्लेट कुछ अलग से नहीं है डिजाइन, आप चेक करते हो स्किड प्लेट लाइक फुल ब्लैक में देखने को मिलती है। टोइंग हुक यहाँ पर देखने को मिलता है आपको इसके अंदर। हैलोजन सेटअप है, हाई बीम लो बीम इसी के अंदर है। NEC इंडिकेटर यहाँ पर है, ये आफ्टर मार्केट एक्सेसरी है। आफ्टर मार्केट लाइक इसमें फॉग लैम्प भी इंस्टॉल्ड है। इस मॉडल में आपके फॉग लैम्प्स नहीं आते, डीलर ने लाइक कस्टमर की डिमांड पे लाइक अलग से इसमें डाल के दिए हैं। ये चीज़ आप चेक कर रहे हो, आप देख रहे हो भाई, ये देख रहे हो एलॉय व्हील। ये 17 इंच का जो पहिया है इसके अंदर नहीं है भाई, पहले आता था टॉप मॉडल के अंदर। ये 16 इंच का एलॉय है जो आज की आपकी XUV में आता है 300 के अंदर, अलग से एक्सेसरी कॉस्ट कर रही है। तो भाई ब्रिजस्टोन ड्यूरेलर लगा हुआ है, 205/65 R16 है। फ्रंट में भी डिस्क है, पीछे भी डिस्क मिलता है। फेंडर पे इंडिकेटर बस थोड़ा सा एक पहचान लगती है कि भाई इस मॉडल में फेंडर पे इंडिकेटर कैसे आ गया। W6 में भी फेंडर पर ही देखने को मिलता है, मतलब वो बीच का मॉडल उसमें भी फेंडर पर है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं। चला ORVM आपको इस गाड़ी के हाथ से लाइक ऐसे करके फोल्ड वोल्ड करने पड़ते हैं। एंड ORVM इलेक्ट्रिकली आपको भाई इसके अंदर एडजस्टेबल, बात करूँ अंदर एक बार अनलॉक करता हूँ, ये देखो अनलॉक हो गई, ये चीज़ चेक करो आप। ORVM इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, आपको ऐसे करके आप एडजस्ट कर सकते हो, मगर फोल्डिंग वोल्डिंग देखने को नहीं मिलता। ऑटो डाउन का फीचर मिल जाता है, एंड यू सी ऑटो अप नहीं है, ऑटो डाउन तो है बट ऑटो अप का फीचर नहीं मिलता आपको उसके अंदर। देख रहे हो, मतलब पूरी हाथ से ही ऊपर करनी पड़ी मेरे को। सीट कवर वगैरह भी इसमें अलग से डले हुए हैं, पूरा थोड़ा सा पैर में लग रही है, बस थोड़ा सा उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, थोड़ा लंगड़ा के चलना पड़ रहा है ना। एलॉय वेलॉय मैंने आपको दिखा दिया, एक बार इंजन में आपको चेक करा दूँ। डीजल इंजन है यार, मतलब बहुत अच्छा है, 1500 CC का है और 115 BHP की पावर देती है गाड़ी आपको। ये यहाँ पे आप आते हो, इधर आओ, ऐसे करके खोलते हैं हुड को। फ्यूल लिड गाड़ी की पहले से ही ओपन है, ऐसे करके करते हैं बंद, इधर आओ, इंडिकेटर आपके ब्लिंक करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप हुड को ओपन करते हो ना, इंडिकेटर आपके स्टार्ट। ये देख रहे हो, ये आफ्टर मार्केट एक्सेसरी है इस गाड़ी के अंदर, क्या तगड़ी सी लग रही है, देखो ऐसे करके। तो भाई हुड को उठाता हूँ एक बार, इंडिकेटर वगैरह चालू हो जाते हैं आपके। डीजल इंजन है 1500 CC का, यहाँ से उठाते हो अब, ये चीज़ चेक कर लो, इंजन बे वगैरह। एंड यू सी आपका भाई यहाँ पर इसका देख रहे हो, डैम्पिंग वैम्पिंग लगी है, 115 BHP, 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, ठीक है। ये तो हो गया इंजन बे की बात, बंद करना भाई ऐसे करके, एक बार मैं लाइक कर दो बंद, गाड़ी का इंजन पे बंद हो गया। डीजल आपका उधर डलता है, उसकी जो टंकी है ना आपको लाइक वो अलग से खोलनी पड़ती है, लाइक अंदर से ही खिंच के खुलती है, ऐसे दबा के ओपन नहीं होती। यहाँ पर डलता है डीजल, ये देख लो, तो यूरिया और मैक्सी क्लीन यहाँ पे डलता है, डीजल आपका यहाँ डलता है, ऐसे करके बंद कर दो। आप ये देख रहे हो एलॉय व्हील, पीछे भी डिस्क है, पीछे भी आपको डिस्क मिलता है। ऊपर चढ़ते हैं एक बार, ये देख लो भाई, रूफ रेल आपको देखने को मिलती है, सनरूफ इसमें आ जाती है, शार्क फिन एंटेना, माइक्रो एंटेना कुछ भी देखने को नहीं मिलता, डिफॉगर लाइंस भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलती। हाई माउंट स्टॉप लैंप एरा, ट्विन पीक्स का लोगो, XUV 300 की ब्रांडिंग, पीछे कैमरा, कस्टमर ने अपनी डिमांड पे इंस्टॉल कराया इस गाड़ी का, आप चेक कर सकते हो, अच्छा सा प्रोफाइल दे रही है। बंद कर उठाऊँ ऐसे, ये देख लो, पार्सल ट्रे वाला अलग से डलवा सकते हो, स्पेयर टायर अंदर रखा हुआ है इसके। थोड़ा सा बूट छोटा है, मतलब वेन्यू से कंपेयर करता हूँ तो नेक्सॉन से भी करो ना, थोड़ा छोटा छोटा बूट लगता है आपको देखने का। इसके दो लोग आगे, तीन लोग पीछे बैठ सकते हैं, बहुत ईजी एक्सेसिबिलिटी मिलती है, ऐसे करके कर दो बंद। ये भी बंद नहीं हुई है, ये अब हो गई बंद, ये चीज़ देख रहे हो। इस एंगल पर गाड़ी को चेक करो आप यार, मतलब लगती है ना सुंदर सी, ऐसे करके देखो, ये देखो। तो मैंने आपको भाई डीजल वीजल की टंकी चेक करा दी, एक बार अंदर बैठ के देखते हैं यार, इतना दर्द है तुम्हारी कसम, अगर शूट कर लूँ यार क्या जा रहा है। आ जाओ एक बार अंदर चलते हैं, तो एक बार आप इधर आते हो ना, ये चीज़ चेक कर लो। ORVM वगैरह दिखा दिए आपको यहाँ पे भाई देखने को मिलता है, लाइक इंडिकेटर फेंडर के ऊपर। आओ एक बार अंदर बैठेंगे गाड़ी के,
चाबी मेरे पास है, दोनों चाबी हैं। इसमें तो सेंटर लॉक की एक दिक्कत है भाई, गाड़ी अपने आप लॉक हो जाती है। ऐसे करके पीछे करता हूँ सीट को, ये रही चाबी इसकी, ऐसे करके बैठते हैं। ये देखो मैं बैठ गया इसमें, यहाँ पे लगाते हैं चाबी को, ये लग गई, ऐसे करके लग गई। आओ भाई स्टार्ट करें। ये देखना भाई सिस्टम चेक, W4 मॉडल है डीजल, डो स्टार्ट हो जाती है डीजल इंजन। चेक गियर एक रिवर्स थोड़ा घुमा हुआ है, नॉब है, नॉब भी हिल रहा है भाई, क्या है मतलब, क्या ही बोलूँ, नॉब घूम रहा है। यहाँ पे देखते हो चार्जिंग वार्जिंग के पॉइंटों के बारे में, बोल के थैंक्स वॉकेट ये रहा। स्टीयरिंग पे कोई लेदर रैप्ड कुछ भी नहीं है, कोई कंट्रोल वगैरह देखने को नहीं मिलते आपको इसके अंदर। मैनुअल हैंड ब्रेक है, दो कप होल्डर्स कह लो, तीन कह लो। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स, सॉफ्ट ओपनिंग है, जैसे को अपने आप नीचे धीरे धीरे आएगा, सॉफ्ट ओपनिंग है, थोड़ी बहुत जगह एरी, दो एयर बैग्स मिलते हैं। ऊपर सनरूफ का बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर, ऐसे करके लाइक वन टच में ओपन हो जाती है, एंड ऐसे करके आप देखते हो लाइक वन टच में बंद क्यों नहीं होती है, पहले कोई दिक्कत है। यहाँ पे आप चेक करते हो सनग्लास होल्डर वगैरह, लैंप एरी। इधर की बात करता हूँ तो टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलता है, इधर की बात करता हूँ मैं आपको तो मिरर मिलता है विद द लैम्प। भाई सेकंड बेस मॉडल में लैम्प, ऐसी कौन सी गाड़ी है भाई जो मात्र आपकी करीब करीब 11 लाख रुपए कुछ ही पड़ रही है और आपको ऐसे लैंप दे रही है। इस गाड़ी पर डिस्काउंट भी है आपका, करीब 19-20 हज़ार रुपए का डिस्काउंट भी है। मेरे नाम से आओगे रिगार्ड थोड़ा बहुत और हो जाएगा, हो सकता है भाई आपका 20-25 हज़ार रुपए और कम हो जाए आपका, तो मतलब यार है, फील तो है, रुतबा पूरा है। स्क्रीन वगैरह आफ्टर मार्केट सी डीलर ने ही डाली है। यहाँ पे आप चेक करते हो नीला वीला लाल वाल, ओके रिपोर्ट, इंडिकेटर हजार लैम्प यहाँ से चालू हो जाते हैं आपके, एंड ये चीज़ देख रहे हो क्या अच्छा सा एक गेटअप सा दे रही है, फील काफ़ी क्लासी है। ये देख सकते हो आपको भाई यहाँ पे कंट्रोल मिल जाता है वाइपर के अंदर, गियर वाइपर नहीं आता है, इधर आपको कंट्रोल मिलता है हेडलैम्प वगैरह और फॉग लैम्प वगैरह भी जो डल गए इसके वो चीज़ के पूरा। बाकी तो भाई एसी वगैरह चालू करना है, यहाँ से फैन को चालू कर लो आप, ऐसे फैन चालू हो जाता है, ये चीज़ हो गई ठीक है। आओ एक बार बैक सीट और चेक करा दूँ आपको कैसी है क्या है। वुड बाय लिख के आ गया, चाबी को करता हूँ फ्लिप। ये देख लो भाई आपका लॉक यहाँ से अनलॉक खुलता है, ट्विटर का प्लेसमेंट है वहाँ पे, स्पीकर ग्रिल ले रही है, यहाँ पे आपका सैटन फिनिश में है बटन वगैरह पूरा। डोर को खोलते हैं एक बार, आओ चलें एक बार बैक सीट पे, थोड़ा उतरने में दिक्कत है, आओ एक बार चलता हूँ। इस गाड़ी में भाई आपके सीट कवर वगैरह भी डले हुए हैं और मैटिंग डल रही है अभी गाड़ी के अंदर। सीट कवर अगर आप देख सकते हो लाइक काफ़ी क्लासी हैं, XUV 300 महिंद्रा ने ही डाल के दिए हैं भाई, मैं अंदर नहीं बैठ रहा तो पैर में थोड़ी दिक्कत है। सनरूफ अगर आपको पूरा फील काफ़ी क्लासी सा देती है, बढ़िया देती है, एंड यू कैन सी भाई एक अच्छा सा एम्बियंस आपको क्रिएट कर रही है गाड़ी। हेडरूम वगैरह डिसेंट है, रियर में एसी नहीं आता, अपडेटेड मॉडल जैसी आएगा उसमें आपको रियर में एसी के वेंट्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। ये मोटी मोटी बात हमने पूरी कर ली गाड़ी की, क्या चीज़ है कैसे है। ये देख रहे हो पल्ले में मतलब इतना वेट है इसकी, चद्दर ना काफ़ी ज़्यादा भारी मिलती है आपको। 5-star रेटेड गाड़ी है भाई, अब तो फेसलिफ्ट का इंतजार है, जल्दी से आ जाए। बेस मॉडल नहीं है, सेकंड बेस मॉडल है आपका ये W4 मॉडल इन द डीजल। माइलेज बहुत अच्छा है, तगड़ी गाड़ी है, मजबूत गाड़ी है भाई। वेन यू कंसीडर कर रहे हो, नेक्सॉन कंसीडर कर रहे हो आप, एक बार इस गाड़ी को भी ज़रूर देख लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलता हूँ भाइयों अगले वीडियो के अंदर।